गुड मॉर्निंग क्लास क्लास लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था एवीज के बारे में, ठीक है। क्लास एवीज बताया था, जिसके अंतर्गत जितने भी बर्ड्स आते हैं, पक्षी आते हैं, उन सबको इस पे रखा गया था। इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी और लगभग हमने बताया था कि 6000 और 9000 स्पीसीज, लिविंग स्पीसीज क्या, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आपको क्लास एवीज में बताई, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हमारा आता है मैमेलिया, ठीक है। मैमल्स या मैमेलिया कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, स्तनी, ठीक है, स्तनी, ठीक है, मैमेलिया या स्तनी, स्तनी, ठीक है। अब स्तनी वर्ग में हमारा जो है एक जो हमारा स्तनी वर्ग है, ठीक है, स्तनी वर्ग में क्या होता है, ठीक है, मतलब जो स्तनी वर्ग है जिसमें स्तन पाए जाते हैं, मिल्क, जिसमें मिल्क ग्लैंड्स पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, वो क्या कहलाते हैं, मैमेलिया में आते हैं, ठीक है। एक ग्रीक भाषा है, ग्रीक वर्ड जिसे बोलते हैं, ग्रीक ग्रीक वर्ड है मैमेलिया, ठीक है, क्या है, फैम, ठीक है, जिसका मीन्स क्या होता है, मिल्क ग्लैंड्स, ठीक है। मीन्स ऐसे जीवधारी या ऐसे एनिमल्स जिसमें क्या होती है, मिल्क ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वो किसमें रखे गए हैं, मैमेलिया में रखे गए, ठीक है। इसकी अगर हम स्पीसीज की बात करें तो लगभग इसकी जो स्पीसीज है, लिविंग स्पीसीज जितनी है, ठीक है, लिविंग स्पीसीज, तो इसकी जो लिविंग स्पीसीज है लगभग 4000, ठीक है, 4400 लगभग लिविंग स्पीसीज की क्या, ठीक है। तो ये मैमेलिया वर्ग से संबंधित ये चीज़ें, मीन्स मैमेलिया वर्ग से संबंधित कैसे जीव आते हैं, जो जिसमें क्या होती है, मिल्क ग्लैंड्स या दुग्ध ग्रंथि जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होती हैं, वो किसमें आते हैं, मैमेलिया में आते हैं या स्तनी वर्ग में रखे गए हैं, ठीक है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या होते हैं लक्षण, ठीक है। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो लक्षण में हमारा अगर हम फर्स्ट पॉइंट की सबसे पहले बात करते हैं तो हमारे जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। अगर हैबिटेट की बात करें तो जितने भी हैं जंतु इससे संबंधित वो क्या है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, मीन्स स्थल पर पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्टली एनिमल्स क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इन पर जो शरीर पर जो बाल होते हैं, ठीक है, रोए के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, वो शरीर पर बाल जो पाए जाते हैं तो वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, पूर्ण शरीर पर या कुछ विशेष अंगों तक ही सीमित होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो होते हैं, हेयर लाइन स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, हेयर लाइन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या है, या शरीर में, पूरे शरीर में पाए जाते हैं या कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर हेयर लाइन स्ट्रक्चर या रोएं पाए जाते हैं, बाल के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसके अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो इसमें जो एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है, एंडोस्केलेटन होता है, तो इसका एंडोस्केलेटन क्या होता है, एंडोस्केलेटन, ठीक है। एंडोस्केलेटन की बात करें तो दे आर वेरी क्वाड्रिपोड, ठीक है, क्या है, दे आर वेरी क्वाड्रिपोड, दे आर वेरी क्वाड्रोपेड्स, ठीक है, क्वाड्रोपेड्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट हमारा है, जो थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें टू पेयर्स ऑफ पेंटाडक्टाइल लिम्स पाए जाते हैं, ठीक है, क्या है, टू पेयर्स ऑफ पेंटाडक्टाइल लिम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं या टू पेयर्स ऑफ पेंटाडक्टाइल लिम्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, स्किन इज ग्रैनुलर एंड हैज टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। जो स्किन है, अगर हम इसकी त्वचा की बात करें तो टू पार्ट्स में एक तरीके से कहें कि डिवाइड होती है, तो स्किन इज क्या है, स्किन इज ग्रैनुलर
एंड हैज टू पार्ट्स, ठीक है, टू पार्ट्स, ठीक है, ऑफ ग्लैंड्स, ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। कौन कौन सी वो दो चीजें होती हैं? एक हमारी जो होती है वो ऑयल ग्लैंड होती है, ठीक है, या पैडी ग्रंथि जिसे बोलते हैं, ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स, और दूसरा स्वीट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, एंड जो सेकेंड वन है वो हमारा क्या है, स्वीट ग्लैंड्स, ठीक है, स्वीट ग्लैंड्स, ठीक है। ये मैमल्स में लक्षण है, एक विशेष लक्षण होता है, इसकी स्किन जो होती है टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, पहली हमारी जो है वो ऑयल ग्लैंड्स होती है और सेकेंड वन हमारी होती है स्वीट ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो इसमें क्या होती है, जो क्रैनियल नर होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, ठीक है। क्रैनियल कैविटी की बात करें तो क्रैनियल कैविटी क्या होती है, बहुत ही बड़ी होती है, ठीक है, और इसमें जो हमारी क्रैनियल कैविटी है, ठीक है, उसकी बात करें तो वो क्रैनियल क्या है, क्रैनियल कैविटी इज लॉन्ग, ठीक है, बहुत बड़ी होती है, और क्या होता है इसमें, प्री मैक्सिली, मैक्सिली और पैलेटाइन, ठीक है, कौन कौन सी, प्री मैक्सिली, प्री मैक्सिली, मैक्सिली अरे प्री मैक्सिली, मैक्सिली और पैलेटाइन, ठीक है, ये क्या होती है, इसमें पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम, तो सिलोम इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर थोरेसिस, ठीक है, जो इसमें सिलोम गुहा होती है, ठीक है, क्या होती है, सिलोम, ठीक है, सिलोम जो गुहा होती है या सिलोम कैविटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है, जो सिलोम कैविटी होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक एंटीरियर होता है और एक पोस्टीरियर होता है, एंटीरियर पार्ट, कौन कौन सा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है, टू पार्ट्स में सिलोम जो उसकी है वो डिवाइड होती है, जिसे एंटीरियर और पोस्टीरियर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे शो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक, लंग्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये क्या है, इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसा होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन पाया जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट में, लंग्स आर, लंग्स इज प्रेजेंट, ठीक है, लंग्स इज प्रेजेंट, तो लंग्स इसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसा होता है, पल्मोनरी, ठीक है, कैसा रेस्पिरेशन होता है, पल्मोनरी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये क्या कहता है, रेस्पिरेशन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो क्या बनता है, जो इसमें इंटरनल ईयर होते हैं वो क्वायर क्लोएका होता है, ठीक है, इसमें जो होता है क्या होता है, इंटीरियर इंटरनल, ठीक है, इंटरनल ईयर जो होता है वो क्या होता है, फाउंड किसमें होता है, जो क्लोएका होता है, क्वायर क्लोएका, ठीक है, क्वायर क्लोएका, ठीक है, ये होता है, ठीक। और इसमें जो किडनी होती है, अगर किडनी की बात करें तो किडनी इसकी किस तरीके की होती है, किडनी इसमें जो पाई जाती है वो कैसी होती है, किडनी लाइक बीन से, ठीक है, बीन से, ठीक है, जो किडनी होती है वो बीन, मतलब सेम के बीज के आकार की इसमें किडनी प्रेजेंट होती है, पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो दीज आर होमियोथर्मल, ठीक है, क्या है, दीज आर होमियो, ठीक है, दीज आर होमियोथर्मल मीन्स इसका मतलब क्या होता है, इनका जो ब्लड होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, गर्म होता है, तो ये जितने भी एनिमल्स अधिकतर होते हैं वो वार्म ब्लड वाले होते हैं, मीन्स
गर्म रुधिर वाले एनिमल्स की श्रेणी में इनको रखा गया है। ठीक है, ब्रेन की बात करें तो ब्रेन क्या है, 12 पेयर होता है। ठीक है, ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं। कितनी, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स या कपालीय जो ग्रंथि होती है या कपालीय तंत्रिका होती है वो पाई जाती है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर सेक्स की, तो इसमें जो सेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल। क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल, इसमें सेक्सेस पाए जाते हैं। मिस का मतलब क्या है, जो मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग। ठीक है, तो या इसके एग्जांपल की अगर हम बात कर लें तो एग्जांपल में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चाहे वो हम कंगारू की बात कर लें, बैट चमगादड़ जो होता है, मंकी है, गोट है, बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं जो कि से। ठीक है, एग्जांपल क्या क्या है, जैसे मंकी हो गया, ठीक है, गोट हो गया, कंगारू हो गया, जितने भी मैट्रिक्स में आते हैं। ठीक है, पूरी मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स, ठीक है, ये सारे क्या है, इसके मुख्य एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे एंगिडिना होता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल इसमें आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने आपको क्लास मैमल्स बताया, मैमल्स का मीन्स जिसमें दुग्ध ग्रंथियां या मिल्क ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वो मैमल्स की श्रेणी में आती है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो अच्छे से देखिए, वीडियो देखते रहेंगे तो जो भी पढ़ाया जाएगा वो अच्छे से समझ में आता जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो में आप लोगों ने ज़रा से भी कुछ भी किया तो फिर शायद समझ में नहीं आया। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।